भाई अगला पेपर आपका फिज़िक्स का है। ये वीडियो अगर देख लेते हो ना, फिज़िक्स का पेपर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। केमिस्ट्री में जो गलतियां हुई अब उसको भूल जाओ, फिज़िक्स का पेपर मैं आपका अच्छा करा देता हूँ। आज की वीडियो में गैस पेपर का पीडीएफ दे रहा हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल जिनके पेपर में आने के बहुत हद तक चांसेस है उसका पीडीएफ दे रहा हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जो कि लॉन्ग में आएंगी उसका पीडीएफ दे रहा हूँ, एक कॉलेज के कॉम्प्रिहेंसिव का पीडीएफ दे दूंगा जो कि हमारे कॉम्प्रिहेंसिव हो चुके हैं, ठीक है, एमसीक्यूज का पीडीएफ दे दूंगा। और साथ ही साथ बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर मॉडल पेपर से तैयारी करें या नहीं, सिर्फ पास हो जाएंगे इतनी तैयारी कर लें मॉडल पेपर से, तो उस बारे में भी बताता हूँ। अच्छा भाई, मैं आप लोगों का इंटरव्यू लेना चाह रहा हूँ हफ्ते को, अब किस कॉलेज के बाहर लूँ बहुत मुश्किल है, बहुत सारे बच्चे हैं, समझ लो कराची के सिंध के हर कॉलेज से बच्चे कमेंट कर रहे हैं, तो जो कमेंट सबसे ज़्यादा होंगे, चाहे बार बार कमेंट चाहो कर सकते हो, तो जो कमेंट सबसे ज़्यादा होंगे उस कॉलेज के बाहर आपका ये सरफेस जो है वो वहाँ मौजूद होंगे और आपको मोटिवेट करेंगे और आपका इंटरव्यू लेंगे। तो कमेंट करो और जल्दी से बताओ किस कॉलेज के बाहर इंटरव्यू होना चाहिए, और जो चीज़ें दे रहा हूँ वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लेकिन जस्ट छोटी सी वीडियो देखो फिर जाके वो चीज़ें डाउनलोड कर लेना और उससे फ़ायदा उठा लेना, ठीक है। अच्छा, अब गैस पेपर से पेपर लगेगा या नहीं ये बता देता हूँ। गैस पेपर बराबर में चलना होगा। देखो भाई, केमिस्ट्री का पेपर उठा के देखो, उसमें जितनी भी थ्योरी आई वो किसी ना किसी गैस पेपर से लगी, चाहे वो एमी इंग्लिश सेंटर का हो या ए या बी या सी कोचिंग सेंटर का हो, गैस पेपर से थ्योरी लगी और कुछ से तो न्यूमेरिकल्स तक लगे हैं, जस्ट वैल्यूज चेंज थी। तो भाई इतना कोई आउट पेपर नहीं आया था, मुश्किल था मैं मानता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा आउट नहीं था, ठीक है। तो गैस पेपर को ज़रूर फॉलो करना है। आप लोग आज मैथ का पेपर हुआ सेकंड ईयर का, उसको भी देख सकते हो, उसमें भी काफ़ी कुछ जो है वो लगा है हमारा, ठीक है, तो उसको भी देख लो। अच्छा, अब आओ यहाँ पर वो न्यूमेरिकल जो दे रहा हूँ वो लगेंगे या नहीं लगेंगे मैं बताता हूँ। तो भाई ज़रूर लगेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जो हैं वो आपकी कहाँ से आएंगे, बुक से ही आएंगे, क्योंकि बुक पढ़ाई है उसी से चीज़ें देंगे। एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो रहा है मुझसे ये कि सर कहीं न्यूमेरिकल्स की वैल्यू चेंज आ जाएंगी। देखो भाई, न्यूमेरिकल की कोई भी वैल्यू आ जाए, अगर उन्होंने आपसे फोर्स मांगी है तो एफ इज इक्वल टू एम ए के फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हो, तो इसीलिए कंफ्यूज ना हो, घबराओ मत अगर वैल्यू चेंज आ भी जाए, वैसे तो उम्मीद है नहीं आएंगी, लेकिन अगर आ भी जाए तो जो न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है वो करके जाओ, उन ही इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूलों से आपके बोर्ड में न्यूमेरिकल हो जाएंगे। हर कोचिंग हर टीचर अपना गैस पेपर निकालता है ताकि बच्चों को अच्छी तैयारी करा सकें। बात समझ में आ गई। चलो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग, देखो लॉन्ग तो बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेड होते हैं, समझ लो बिरयानी मज़े की बनेगी या नहीं बनेगी, इसमें तो आप टेंशन ले सकते हो कि क्या पता मज़े की हो या ना हो, यहाँ की बिरयानी अच्छी होगी या नहीं, लेकिन ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग होते हैं ना, ये तो लगते ही लगते हैं, ठीक है। तो जो भी गैस पेपर आपके पास मौजूद है, चाहे वो एमई का हो या किसी भी कोचिंग का हो, उसके लॉन्ग को ज़रूर करके जाना, ज़रूर लगेंगे, ज़रूर लगेंगे। अभी भी इतना टाइम है कि अच्छी खासी तैयारी कर कर 60-70-80% नंबर ले सकते हो, अगर सही तरीके से तैयारी करके जाओगे, ठीक है। चलो फॉलो करो और आगे बढ़ो। अब एमसीक्यूज़ का पीडीएफ बच्चे मांग रहे हैं, बोल रहे सर हमारे एमसीक्यू न्यूमेरिकल की भी तैयारी है, लॉन्ग की, थ्योरी की, सब की तैयारी है, एमसीक्यूज़ की तैयारी नहीं है, कहाँ से करें। तो भाई ये जो गेस्ट पेपर दे रहा हूँ इसके अंदर हर चैप्टर के 10 एमसीक्यूज़ हैं जो कि मेहनत से आपके भाई ने निकाले हैं, तो जस्ट जाओ। अच्छा, सर ने निकाले हैं तो जाओ उनको सॉल्व कर लेना, और टेंशन नहीं लो, उनका सलूशन भी वहीं पे गिवन है, नीचे देखना सलूशन भी लिखा हुआ होगा, जैसे ही एमसीक्यूज कंप्लीट होंगे उसके नीचे सलूशन डाला हुआ है, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में है, जाके डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अब आ जाओ आपके दिल की बात करते हैं, और ये दिल की बात क्या है कि सर मॉडल पेपर से तैयारी करूँ या ना करूँ, ये बहनें भी सवाल कर रही हैं और भाई भी सवाल कर रहे हैं, तो ये वीडियो सबके साथ शेयर ज़रूर कर देना। पहले बात देखो भाई, मैंने कभी नहीं कहा कि मॉडल पेपर से पेपर लगेगा, वीडियो उठा के देख लो, जब भी कहता हूँ ये कहता हूँ नहीं लगता मॉडल पेपर, बहुत कम क्वेश्चन होते हैं ना, प्रोबेबिलिटी आप सब पढ़ चुके हो, बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी आपको आती है, प्रोबेबिलिटी ज़रा हिसाब लगाओ, आपको करने हैं कितने क्वेश्चन, आपको करने हैं टोटल लगा लो 15 क्वेश्चन करने होते कम से कम, और आपकी बुक में कितने क्वेश्चन है, कई 100 क्वेश्चन है, तो क्या मॉडल पेपर में इतने क्वेश्चन दिए हुए होते हैं कि टकरा जाए वो जो मेन पेपर है आपका या जो बोर्ड का पेपर है उसमें लग जाए, क्वेश्चन ही इतने कम दिए हुए होता है। फॉर एग्जांपल
पेपर में आने हैं 15 क्वेश्चन, आप करके जा रहे हो 10, तो क्या उम्मीद है कि 10 के 10 लग जाए? नहीं ना। तो कम से कम अगर 15 क्वेश्चन की तैयारी करनी है तो कम से कम जो है वो गैस पेपर से 50-40 क्वेश्चन तो करो, ताकि फिर प्रोबेबिलिटी बढ़े और आपके नंबर अच्छे बने। प्रोबेबिलिटी ज़रा सीखो, उससे आपके बड़े अच्छे काम निकल जाएंगे। जब मुझे कुछ नया करना होता है ना ग्रुप वगैरह में, तो मैं प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ उसकी कि कोई चांस बनता है या नहीं बनता। अगर 50+ आता है तो मैं वो काम करता हूँ, वरना रहने देता हूँ। तो समझ में आ गया, मॉडल पेपर से लगने के बहुत कम चांसेस हैं। मॉडल पेपर पे ज़्यादा रिलाय मत करो, ज़्यादा रिलाय कर रहे हो तो गैस पेपर से करो। जो कॉलेजेस के कॉम्प्रिहेंसिव पेपर हो गए हैं उन पर करो, या जो है वो अपने कोचिंग के प्रीलियम कॉम्प्रिहेंसिव पेपर पे करो, या जो है आप लोग इन चीज़ों पर रिलाय करो। ठीक है, पास पेपर पे भी रिलाय करो, पास पेपर से भी कर सकते हो तैयारी। अब पास पेपर की बात वैसे तो गलत है, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पास पेपर भी एक गैस पेपर है। देखो पास पेपर कैसे हो सकते हैं, ये बुक तो इसी साल तो आई है, सन 2024-23 में तो ये बुक आई है। पहली बार तो इस बुक से पेपर होंगे और लिखा हुआ भी है न्यू बुक, तो इसीलिए इसका पास पेपर तो हुआ नहीं। तो वो जो पेपर है वो गैस पेपर है बेसिकली, उन्होंने लिखा हुआ भी है, ये बात क्लियर करी हुई आपके लिए, लेकिन वो दिए भी उन्होंने 5 ईयर के अंदर है। ठीक है, समझ गए बातें, और कोई परेशानी, और कोई मुश्किल? नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। एक और बात, बहुत सारे बच्चे मुझे ये कह रहे हैं सर टाइम मैनेजमेंट। देखो इंसान का दिल जब दुखे ना, जब बच्चा ये बोले सर आपने जो पढ़ाया वो आया नहीं, या आपने सही नहीं पढ़ाया, मुझे कोई ये नहीं बोल रहा ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है, सब मुझे ये बोल रहे सर टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ, टाइम जो है वो ज़्यादा लग गया। अब करना क्या है ज़रा मैं ये बताऊँ, बस ये सुनो, ये बड़ा जो है वो काम का है टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट। अच्छा, अब टाइम मैनेजमेंट करनी कैसे है? देखो भाई टाइम मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले तो भाई शॉर्ट जो है ना वही पहले करना। मुझे बोल रहे बच्चे कुछ लॉन्ग कर लें, तो देखो लॉन्ग भी पहले कर सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन शॉर्ट पहले करना, ताकि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं या जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वो हो जाएं। अच्छा, मुझे बच्चे ये भी कह रहे हैं कि सर डायग्राम बनानी है या नहीं बनानी, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट में ही आ रही है ये बात, डायग्राम भी टाइम लेगी। तो भाई डायग्राम लॉन्ग में बना लेना, न्यूमेरिकल में डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। भाई देखो मैं तो आप लोगों को समझाने के लिए डायग्राम ड्रॉ करता था ना, ताकि आपको समझ में आए कहाँ पे क्या फोर्स लग रही है, कहाँ पे क्या नहीं लग रही है। मैं जस्ट डेटा एक्सट्रैक्ट कर फॉर्मूले में थोड़ी ना पुट करता था, मैं डायग्राम क्यों बनाता था, ताकि आपको समझ में आ जाए बात। तो आपने न्यूमेरिकल में डायग्राम बनाने की तरफ नहीं जाना, आपने जस्ट न्यूमेरिकल का आंसर निकालना, न्यूमेरिकल में डायग्राम नहीं चाहिए, थ्योरी में भी डायग्राम नहीं चाहिए। हाँ लॉन्ग जो है ना लॉन्ग, उसमें डायग्राम ज़रूर डालना, ताकि पेपर थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, बात समझ में आए। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो? ठीक है, तो जल्दी जल्दी करना शॉर्ट क्वेश्चन को, बहुत लंबा लंबा नहीं खींचना। मुझे एक बच्चे ने बोला सर मैंने 3 पेज का शॉर्ट किया, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अब 3 पेज का शॉर्ट करने से क्या फ़ायदा, 3 पेज का तो शॉर्ट नहीं होता ना, शॉर्ट तो 1 पेज ज़्यादा से ज़्यादा, या जितनी बात पूछी गई है उतनी। मेरा अपने दोस्त की बात बताता हूँ, मेरा जो दोस्त है ना उसके नंबर आते 20 out of 20, वो शॉर्ट पता कितने कितने लाइनों का कर रहा होता है, 4-4, 5-5 लाइनों का शॉर्ट करता है, लेकिन उसके नंबर पूरे आते हैं। क्यों? क्योंकि वो जितना पूछा जाता है उतनी बात कर कर आता है, जो न्यूमेरिकल में मांगा जाता है वो निकाल कर आ जाता है। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात, जितना पूछा जाए उतना बताना, एक्स्ट्रा नॉलेज ना देना, क्योंकि उसका फ़ायदा नहीं होता, बल्कि उल्टा आपका टाइम चला जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट करना, पेपर पूरा करना, यकीन मानो अगर क्वेश्चन गलत भी हो रहा है ना, लेकिन थोड़ा बहुत लिख रहे हो तो कुछ ना कुछ नंबर मिलने के चांसेस आ जाते हैं। अगर बिल्कुल ही छोड़ दिया तो वो तो ज़ीरो, उसका तो कोई चेक ही नहीं बनता। तो आई होप बात अच्छी समझ में आ गई होगी, यहीं रोकता हूँ। PDF है, जाके डाउनलोड कर लेना सारे। और एक बात और भाई, बता ज़रूर देना किस कॉलेज के बाहर, क्योंकि भाई एमी इंग्लिश सेंटर को या एमी इंग्लिश सेंटर के साथ पूरी कराची के कॉलेजेस के बच्चे, यानी जो भी कॉलेज है ना उसमें बच्चे कहीं ना कहीं हमारे जो है वो होते हैं कोचिंग के, तो हर कॉलेज से बच्चे मैसेज कर रहे हैं। अब जिसका सबसे ज़्यादा होगा मैं उधर ही जाऊँगा, क्योंकि फिर सबको जो है वो इक्वली ट्रीट करना है मैंने। तो आई होप बात समझ में आ गई होगी, अच्छा पेपर करना, डरना मत, इंशाल्लाह अच्छा पेपर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।